देखिए ड्राई फ्रूट लड्डू बनके तैयार है। ना चीनी, ना चाशनी, ना मावा, ना मिल्क पाउडर, किसी की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ना बेसन है यहाँ पे, ना तो मैदा है, जो कि यहाँ पे आयरन, कैल्शियम, हाई प्रोटीन से भरपूर है, विटामिन सी है। लड्डू हमारा मुंह में जाते ही घुल जाएगा। यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और आप सभी अभी ये सोच रहे होंगे कि कैसे बना हुआ, ना इसकी रेसिपी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ना शेयर करें आप सभी के साथ इसकी रेसिपी, हम टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल से ना लीजिए, इसकी रेसिपी हम सब आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदु, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पे, एक अच्छी सी वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए। स्वीट बनाएंगे फ्रेंड्स, हम ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाएंगे जो विटामिन, आयरन, प्रोटीन से, हाई प्रोटीन से भरपूर रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो 100 बीमारियों को दूर करेगा, बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट है ये लड्डू। तो उसको चलिए फ्रेंड्स हम बना लेते हैं फटाफट से। कैसे बनाते हैं, कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई हमारी गर्म है फ्रेंड्स। इसमें डालेंगे हम 50 ग्राम डालेंगे यहाँ पे मखाना। इसको ना हल्का सा हम ऐसे फ्राई करेंगे, अगर ऐसे पीसते हैं ना तो ये दांत में चिपकता बहुत ज्यादा है, तो इसको ना हम रोस्ट करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है खाने में। अभी हो गया है, इसको निकाल लेते हैं हम। अभी यहाँ पे लेंगे 100 ग्राम अलसी, इसको टीसी भी बोलते हैं हम लोग। इसको अच्छे से ना चटका लेंगे सारे, इसको ना लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ना बहुत ज्यादा उछलता है ये, बाहर चटक चटक के ना बाहर आता है बहुत ज्यादा। लगातार चलाते रहेंगे, सारे चटक जाए अच्छे से। इसमें से सिर्फ आधी अलसी हम यूज करेंगे, 50 ग्राम, ये 100 ग्राम पूरा है, सिर्फ 50 ग्राम अलसी लेंगे, 50 ग्राम अलसी हम दूसरे में यूज करेंगे। अभी हम गैस बंद कर दिए, इसको भी निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे लिए हैं फ्रेंड्स हम कोकोनट पाउडर, और ये 200 ग्राम है, इसमें है ना हमें 100 ग्राम लेना है। यहाँ पे देखिए हम आधा इसमें से ले लिए हैं, और इसको बिना घी के हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसमें से अच्छे से खुशबू आए और एक अच्छा सा कलर आ जाए। डार्क इसको ब्राउन नहीं करना है, बस अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। अभी कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म थी ना, तो इसमें डाल दिया। अभी गैस हम ऑन कर दिए हैं, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसमें, ये देखिए। तो अभी हम गैस बंद कर देंगे, इसको थोड़ा सा चला के तब निकालेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। अभी यहाँ पे डालेंगे हम 50 ग्राम काजू लिए हैं, 50 ग्राम मतलब बादाम है, और पिस्ता भी लिए है इतना। तो इसको भी ना हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी यहाँ पे डालेंगे वाटरमेलन सीड्स 2 चम्मच, 2 चम्मच पंपकिन सीड्स। इसको अच्छे से ना रोस्ट करेंगे इसमें। बादाम जो है ना सब चटक रहे हैं, और काजू का भी ना कलर बहुत अच्छे से आ गया है। अभी इसको ना हम निकाल लेते हैं, गैस बंद करेंगे। अभी ये अलसी है फ्रेंड्स, ये 100 ग्राम है, इसमें से सिर्फ हमें 50 ग्राम लगेगा। 50 ग्राम अलसी हम बारीक करके पीस लेंगे मिक्सी जार में, और ये जो 50 ग्राम मखाना है इसको भी बारीक करके पीसेंगे, और ये कोकोनट पाउडर जो है इसको भी ना मिक्सी जार में 1 से 2 बार घुमा लेंगे, थोड़ा सा बारीक हो जाएगा तो और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा लड्डू हमारा। ये नट्स भी हम अच्छे से पीस लेंगे मिक्सी जार में। मखाना हम पीस लिए हैं, इसको निकाल लेंगे। नारियल हम बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे इसमें, 1 से 2 बार घुमाएंगे, नहीं तो ना इसमें से ना ऑयल आ जाता है। कोकोनट पाउडर 50 ग्राम अलसी हम रख देंगे।
अलसी भी ले लिए हैं पीस के, और इसको ना बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए हैं अलसी हम, हल्का सा दरदरा है ये, दांत के पड़ता है ना, दांत के बीच में जब दांत के नीचे पड़ता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। अब ये नट्स ले लेंगे हम, ड्राई फ्रूट्स भी हम पीस लिए हैं यहाँ पे। मिश्री का पाउडर हम बना के रखे हुए हैं, क्योंकि लगता रहता ना तो एक बार हम बना के रख दिए तो। ये ना 100 ग्राम है मिश्री का पाउडर, आप चाहे तो शक्कर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि घर में हमेशा हम बनाते हैं, बच्चे बड़े सब खाते हैं तो ये नुकसान करता, हम तो ये कहेंगे क्या मिश्री फायदा नहीं करती है, ये भी ज़्यादा अगर तो ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान तो करेगा, चाहे मिश्री हो चाहे शक्कर। और इसको ना हम मिलाएंगे पहले सब अच्छे से, अब इसमें मिलाएंगे हम घी बांधने के लिए इसको। अगर कम पड़ता है ना तो थोड़ा से बाद में भी हम घी डालेंगे यहाँ पे। इसी तरह सारे लड्डू हम बना लेंगे, यहाँ पे देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार है इतने सारे, और बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे लाइन लाइन में रखे थे, अभी ये देखिए बिगड़ गए सारे लाइन हमारे, इतने सारे लड्डू बनके तैयार है। इसकी रेसिपी कैसी लगी आप सभी को फ्रेंड्स बताना जरूर। खाने में फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी है ये, स्वाद से भरपूर, ना चीनी ना चाशनी ना मावा, यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना तो मिल्क पाउडर की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये देखिए लाजवाब सी मिठाई हमारी बनके तैयार है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें है ना पानी ना लगने पाए, ये लड्डू बनाते समय घी से ही बनाएं, कोशिश करें घी लगाएं ज़्यादा इसमें, तभी ये ना अच्छे से बंध पाता है लड्डू, और पानी लगता है ना तो एक दूसरे से ना चिपकना शुरू हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है। इसको ना महीने दो महीने के लिए ना स्टोर करके रख सकते हैं, ये देखिए। कितना सॉफ्ट है ये लड्डू, लग रहा है ना टेस्टी, इसे कहीं ज्यादा खाने में टेस्टी है फ्रेंड्स ये, आप सभी जरूर से एक बार से ट्राई करना इसको बनाने के लिए। देखिए अच्छे से बंध भी गया। प्लेट में रख दिए हैं फ्रेंड्स सब, क्योंकि छोटा है इसमें बहुत अच्छे से आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के साथ ना यहीं पिंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, ये वीडियो ना मतलब दोनों चैनल पे जाएगा हमारे, क्या है ना फ्रेंड्स टाइम नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, मतलब हम परेशान हो जाते हैं एकदम से, मतलब समय मेरा रूटीन और मेरा सेहत सब कुछ बिगड़ जाता है एकदम से, दोनों चैनल को लेके मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हम, इतना ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं कि मतलब दोनों चैनल के लिए वीडियो अलग अलग से शूट करना और डालना ना बहुत ज़्यादा मतलब अभी मुश्किल हो रहा है मेरा, मतलब
क्या ही बता सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। दो चैनल है तो चलता तो कोई नहीं है अभी मेरा। और कहने वाले कहते हैं कि हम लाखों कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मतलब रिश्तेदार में हर जगह हम ना बदनाम हो गए हैं, और इसी वजह से ना हम बहुत ज़्यादा टेंशन में चलते हैं। तो अभी ना मैं दोनों चैनल के लिए ना अलग अलग से वीडियो नहीं बनाती फिलहाल, तो अभी यही वीडियो जो बनाते हैं ना एक चैनल के लिए वही दोनों चैनल पे हम डाल देते हैं, और आप लोग मेरी मजबूरी समझिए, इसीलिए ना दोनों चैनल पे हम एक ही वीडियो डालते हैं अभी इस टाइम पे। हाँ, कोशिश करते हैं कि और करेंगे कोशिश कि मतलब दोनों चैनल के लिए अलग अलग से वीडियो बनाएं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और आगे बढ़ाइए, थोड़ा आगे हम भी जाएं। जो बदनाम हो रहे हैं फिजूल में तो थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हो, बदनाम हो तो ठीक है ना, लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं, फिजूल में हम बदनाम हुए जा रहे हैं। तो बस हम आप सभी से ना यही कहेंगे यहाँ पे, और क्या बोलें, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना सा बोलते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं हम, समय है देखेंगे, जो जो कह रहा है कहने देते हैं, बाद में सोचेंगे उन सबके बारे में। क्या है ना फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब तुम चार बातें सुन भी रही हो सबका और तुम्हारा कुछ मतलब हो भी नहीं रहा है, तो ऐसा करो ना, तुम इतना ज़्यादा मेहनत भी मत करो, क्योंकि वो रहते हैं ना तो थोड़ा सा मेरा ख्याल रखने के लिए ऐसा रहता है ना कोई है, तो मैं काम के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में फ्रेंड्स ना बिल्कुल सब मतलब मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती, और आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ना हमेशा ख़राब रहती। मैं हफ्ते में अगर ऐसा ही होना तो एक हफ्ते बाद तो मैं हफ्ते में एक दिन तो मैं ज़रूर बीमार पड़ जाती हूँ फ्रेंड्स, मैं बीमार ही रहती हूँ, बहुत बीमार, बहुत परेशान रहती हूँ मैं, एक समझ लीजिए एक तरह से मैं ना रोगी हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब तुम दोनों चैनल पे ना एक ही वीडियो डाल दिया करो, तुम थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि इधर हम भी नहीं है देखने के लिए, तो तुम परेशान हो जाओगी तो बच्चों को कौन देखेगा, तुम्हारे अलावा बच्चों के पास कोई नहीं है, तो अपना ख्याल रखो, दोनों चैनल पे वही वीडियो डालो जो एक के लिए बनाती हो, वही दोनों चैनल पे डाल दिया करो, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता, वीडियो तुम्हारा है, कहीं भी डाल सकती हो तुम वीडियो। तो फ्रेंड्स ना मेरे हस्बैंड ने बोला है तो हम एक ही वीडियो दोनों चैनल पे डाल देते हैं यहाँ पे, और तो चलिए तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।